न्यूमिस्मैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के तत्वावधान में 4 दिवसीय नागमणि 2023 ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जीबिशन यानी कि पुराने व नए रुपयों तथा सिक्कों के प्रदर्शनी का आयोजन 26 जनवरी से 29 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसकी जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई। इस अवसर पर चंद्रशेखर गुप्ता, पूर्व विभाग प्रमुख पुरातत्व विभाग नागपुर को उनके विशिष्ट कार्यों एवं मुद्रा शास्त्र और इतिहास के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए विशेष सम्मान नागमणि 2023 जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 29 जनवरी 2023 शाम 5 बजे समापन समारोह के वे प्रमुख अतिथि हैं। अशोक सिंह ठाकुर, मुद्रा शास्त्री, कार्यकारी सदस्य भारतीय मुद्रा परिषद, मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल, 4 दिवसीय नागमणि 2023 ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जीबिशन, पुराने व नए रुपयों तथा सिक्कों की प्रदर्शनी निश्चित रूप से ही बड़े ही रोचक, ज्ञानवर्धक और संग्रहणकर्ताओं के लिए शिक्षाप्रद होने वाली है। प्रतियोगिताओं के अलावा वरिष्ठ संग्रहणकर्ताओं द्वारा अपने संग्रह को भी प्रदर्शित किया जाएगा। 29 तारीख 4 बजे होगा, जो अशोक सिंह ठाकुर वो कंक्लूडिंग प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहेंगे। तो कंक्लूडिंग प्रोग्राम में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिला है उनको, बाकी जो डीलर्स बाहर से आएंगे उनको सर्टिफिकेट अगले ये दिया जाएगा। इस बार जो नागमणि जो एग्जीबिशन है उसमें अट्रैक्शन जो पब्लिक के लिए मेन चीज़ जो दिखाने का रहता है ना, तो इस बार हमने 5000 की नोट जो इंडिया में पहला नोटबंदी हुआ था उसमें बंद हुआ था 5000, 10000 और 1000 का नोट, तो 5000 वाला नोट इस बार डिस्प्ले में रहेगा। साथ में जो पर्शियन हज इशू, हज में जो लोग जाते थे उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से कुछ करेंसी छापती थी, नोट छापती थी, वो 10 रुपए और 100 रुपए डिनोमिनेशन में था, तो वो जो हज जाते थे उन्हीं के लिए वो बना था, तो वो जो 100 रुपए का नोट है काफी रेयर है, 10 और 100 रुपए का, वो इस बार डिस्प्ले पे रहेगा। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।